दोस्तों आज नहीं रहे रतन टाटा जी, भारत के अनमोल रतन, जो हर एक आदमी की जुबान पर उनका नाम रतन टाटा जी नहीं भारत के अनमोल रतन के नाम से ही पुकारा जाता है, वो आज इस दुनिया को छोड़ गए हैं। सदा के लिए हमारा अनमोल रतन हमसे दूर चला गया है। तो चलिए उनके जीवन के बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले उनकी जन्म की, डेट ऑफ बर्थ की बात करें, तो 28 दिसंबर 1937 को उनका जन्म बम्बई, ब्रिटिश भारत, जो पहले ब्रिटिश भारत का हिस्सा था, मुंबई में हुआ था। अब वो मुंबई कहते हैं उन्हें, महाराष्ट्र में, तो वहाँ उनका जन्म हुआ था। वो बहुत बड़े उद्योगपति थे, परोपकारी थे, दानी थे। एक उद्योगपति के साथ साथ इतने नाम जुड़ने बहुत कमाल की बात है। तो हम बात करें उनके अवार्डों की, तो पद्म भूषण अवार्ड 2000 में उन्हें मिला था, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2006 में मिला था, पद्म विभूषण अवार्ड 2008 में मिला था। भारत का सबसे बड़ा दूसरा सम्मान है ये 2008 में मिला था। और उसके बाद ब्रिटिश समाज के ऑर्डर का ऑनरेरी नाइट ग्रैंड क्रॉस 2014 में मिला था। उसके बाद असम वैभव 2021 में, उसके बाद एक ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर 2023 में, ये अवार्ड इन्हें मिले, बहुत से अवार्ड मिलने के बाद। तो अगर हम बात करें इनकी पढ़ाई की, तो अमेरिका में इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, और उसके बाद इन्होंने भारत आकर अपनी जो कंपनी है उन्हें संभाला था। तो एक कंपनी जो पहले थी इनकी, उनको एक बहुत बढ़िया, यानी कि बहुत ज़्यादा घाटे में जा रही थी, उसे एक अच्छे ली पर लेकर आए थे, लेकिन वो कंपनी बंद हो गई थी फिर भी किसी कारण। उसके बाद इनके पापा ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया था नई कंपनी का। तो उस कंपनी का उत्तराधिकारी बनने के बाद जब कुछ और कंपनियां जो साथ में कंपनियां थी, उन्होंने विरोध भी किया उनके मालिकों ने कि भाई ये तो सही बात नहीं है, इन्हें उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहिए, इन्हें कोई ज़्यादा समझ नहीं है बिजनेस की। लेकिन फिर भी इन्होंने उस कंपनी में बहुत बढ़िया काम किया। काम करने के बाद तो अगर हम बात करें टाटा कंपनी की, तो टाटा की सबसे पहले आई थी टाटा इंडिका, उसके बाद टाटा नैनो, जो कि लखटकिया कार थी, भारत की सबसे सस्ती कार। तो दोस्तों एक रोचक बात मैं और भी आपको रतन टाटा जी के बारे में बताना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक बार टाटा कंपनी जो है बिल्कुल डूबने की कगार पर थी, तो इन्होंने फोर्ड कंपनी से जाकर बात की कि हमें कुछ मदद चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मदद तो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो जब उन्होंने इन्होंने जब इंडिका कार बनाई थी, तब की बात है ये, तो इंडिका कार बनाने के बाद जब कार नहीं चली ज़्यादा और उसके बाद कंपनी घाटे में गई, तो इन्होंने जाकर जब मदद की बात की, तो फोर्ड ने कहा था कि भाई आपको जब जिस चीज़ का पता ही नहीं है कि कैसे बनाना है, उसके बारे में आप सोच भी कैसे सकते हो, आपने ये कैसे किया, क्यों किया? तो उन्होंने यही कहा था कि हम आपके कंपनी को खरीद सकते हैं, आपका एक आपके ऊपर एहसान कर सकते हैं कि आपकी कंपनी खरीद सकते हैं, लेकिन आपकी वैसे कोई मदद नहीं कर सकते। तो रतन टाटा जी वहाँ से उठे और वापस आए भारत में, और उसके बाद फिर से अपनी एक नई टीम तैयार की, और टीम तैयार करने के बाद फिर से जुट गए अपने कारोबार में। और देखिए उस टाटा कंपनी को कितनी बड़ी कंपनी बना दिया। और उसके बाद अगर फोर्ड की बात की जाए, तो वो फोर्ड धीरे 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 नीचे गिरती गई। जिस कंपनी ने इनकी कंपनी खरीदने से भी मना कर दिया था, वो कंपनी बिल्कुल नीचे गिर गई, और आज टाटा का नाम बहुत बड़ा है। उसके बाद जैगुआर, लैंड रोवर कंपनियां भी टाटा ने खरीद ली, और आज टाटा में ही जैगुआर और लैंड रोवर गाड़ियां जो है इनके प्लांट में ही बनती हैं। तो ये देखिए, ये भी एक कितनी बड़ी बात है रतन टाटा जी के बारे में। तो काफ़ी लोग ये भी सोचते हैं कि रतन टाटा जी ने मैरिज नहीं की, तो रतन टाटा जी ने मैरिज ना करने का कारण काफ़ी फैक्ट आगे आए हैं बहुत से। एक तो फैक्ट ये आता है कि लॉस एंजल्स में जब ये रहते थे, तो वहाँ एक लड़की से इन्हें प्यार हो गया था, तो उसके बाद इन्हें भारत आना पड़ा और भारत में अपना कारोबार संभालना पड़ा। उसके बाद हालात कुछ सही नहीं थे, इसी कारण ये वापस नहीं जा सके, क्योंकि उनसे मैरिज इन्होंने करनी ही थी। जब इनको वापस आना पड़ा, तो उसके बाद उन्हें मिल नहीं सके, तो ये एक तो कारण बहुत बड़ा बताया जाता है। और एक बार 2011 में इन्होंने एक बार बताया था कि 4 बार मैंने शादी के बारे में सोचा था कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं शादी करने के नज़दीक जब जाता था, तो सोचता था कि नहीं भाई मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं फिर डर जाता था और फिर मैं इस विचार को त्याग देता था।
तो ऐसे थे रतन टाटा जी। तो रतन टाटा जी का आज देहांत हो गया है, बहुत बुरी खबर मिली। अगर हम आज की गाड़ियों की बात करें और आज की भारत की कंपनियों की बात करें, तो सबसे बड़ी कंपनी कह सकता हूँ मैं टाटा को, क्योंकि टाटा ने इतने मॉडल, इतनी क्वालिटी, इतनी वैरायटी दे दी है लोगों को कि आप एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो तो 10 गाड़ियाँ टाटा की आपके सामने आ जाती है कि भाई कौन सी लेनी चाहोगे वही ले लो, हर रेट में सस्ते से सस्ती कार। ये एक बहुत बढ़िया बात रही है रतन टाटा जी की कि इन्होंने जो भी गाड़ी बनाई है बहुत सस्ते में, फीचर बहुत बड़े दिए और रेट जो है बहुत कम रखा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि इन्होंने भारत के लोगों की तरफ इतना जो प्यार बनाया है वो इसी कारण बनाया है, और ये सोचते भी थे कि भारत के बारे में कि भाई मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ जो आम लोगों की सहायता करता रहूँगा और करूँगा और करते भी रहे हैं जब से लेकर इन्होंने अपनी कंपनी की कमान संभाली है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि सबसे अमीर व्यक्ति की, तो अगर इनकी पूरी प्रॉपर्टी को जोड़ा जाए ना, जो इन्होंने दान की है, अगर उस प्रॉपर्टी को भी जोड़ लिया जाए साथ में, तो मैं कहूँगा कि भारत के सबसे बड़े, सबसे अमीर व्यक्ति यही होंगे। लेकिन उस प्रॉपर्टी से भी बड़ा जो इन्होंने काम किया है, जो इतना दान दिया है, इतना लोगों के दिल में जगह बनाई है, आज तक कोई भी रतन टाटा जी का ऐसा नहीं आया कि भाई रतन टाटा जी कोई कंट्रोवर्सी में आए हो किसी में, रतन टाटा जी के बारे में किसी ने भी, किसी सरकार ने, किसी आम आदमी ने, किसी लोगों ने, किसी ने भी इनके बारे में एक शब्द भी बुरा बोला हो। ये सबसे बड़ी कमाई होती है जो रतन टाटा जी ने कमाई है, और ऐसी कमाई हर किसी को नहीं मिलती, कुछ लोग ही होते हैं जिनको ये कमाई मिलती है। लेकिन आज भारत का एक अनमोल रतन हमसे फिर जुदा हो गया है, जिसकी अभी भी बहुत ज़रूरत थी लोगों को, अभी भी भारत को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन आज ये अनमोल रतन कहीं खो गया है। तो हम तो यही कह सकते हैं कि रतन टाटा जी की आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी जाएं परमात्मा को अपने चरणों में निवास दे। तो एक छोटी सी सच्ची शरणांजलि के लिए ये मैंने वीडियो एक पोस्ट किया है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और रतन टाटा जी को एक श्रद्धांजलि दे दें। ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं दुनिया में और बहुत टाइम बाद आते हैं ऐसे आदमी जो लोगों का भला ही सोचते हैं। अपना भला तो अपने आप ही उनका हो जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ लोगों के लिए आए थे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना।